मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसको यूं अकेले छोड़ के जाना मुनासिब नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सच यह है कि सज्जल को मैं इरा के लिए ही अपने साथ लेकर गया था। इरा के लिए? जी, आप आइए ना, मैं आपको बताता हूं। आप आइए मेरे साथ, आइए। अंकल, जिस किस्म के हालात आजकल चल रहे हैं, मैं बिल्कुल इरा को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे में अगर सज्जल ना हो तो यकीन करें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए घर पे रह के अंकल को हाफिल करना। लेकिन मैं अपने फराइज से बिल्कुल गाफिल नहीं, इसीलिए मैं सज्जल के साथ गया था ताकि इरा के लिए गिफ्ट खरीद सकूं। गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी शहीर? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तुम मेरी बीवी हो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। यकीन करो, इस दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा है। बस तुम्हें यही स्पेशल फील करवाने के लिए मैं और सज्जल तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आए। थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा रूड हो गया था, इसलिए अंकल के सामने माफी मांग रहा हूं ताकि वो मेरी सिफारिश कर दे। अरे कैसी बातें कर रहे हो शहीर बेटा। मियां बीवी की लड़ाई तो बिल्कुल एक पानी के बुलबुले की तरह होती है। इधर लड़े उधर दोस्ती। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं वाकई गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया था और इस बात का मुझे पूरी शिद्दत से एहसास है। I'm sorry, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, I promise। बस भी कर दें शहीर, कितनी बार सॉरी कहेंगे आप? खोलूं? Yes। Oh my God, बहुत खूबसूरत है शहीर। थैंक यू। माशाल्लाह,